नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबरें होशंगाबाद से, जहां पर किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुहिम चलाकर सर्दी जुकाम और बुखार के मरीजों को घर घर जाकर सर्वे कर मेडिकल किट का वितरण किया जाए, ताकि कोरोना पर प्राथमिक स्तर पर ही प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। वहीं कृषि मंत्री पटेल ने जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनपद और निकाय के मैदानी अमले को होशंगाबाद को कोरोना मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। वहीं कृषि मंत्री पटेल ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति की ब्लॉक और पंचायतवार विस्तृत समीक्षा की। पटेल ने सभी विकास खंडों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से ग्राम पंचायतवार कोरोना संक्रमण की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिक संक्रमण वाले ग्राम पंचायतों में सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर विशेष अभियान चलाकर डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से सर्दी जुकाम और बुखार के मरीजों को चिन्हित कर मेडिकल किट का वितरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद के मैदानी अमले द्वारा बाहर से आने वाले नागरिकों पर निगरानी रखी जाए और आवश्यक रूप से क्वारंटाइन करें। वहीं कृषि मंत्री पटेल ने जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और कोविड मरीजों के उपचार के लिए बनाई गई प्रभावी त्रिस्तरीय रणनीति पर संतोष व्यक्त किया है। होशंगाबाद से मुकेश दुबे की रिपोर्ट। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।